जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और तैयारी वगैरह अच्छी चल रही होगी आगे के एग्ज़ाम की। देखिए वर्ग तीन के पेपर का रिजल्ट तो फाइनली आ ही चुका है, उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड भी हुए हैं। लगभग 30% बच्चों को क्वालिफाइड किया है। तो अब उसमें वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी होंगी, तो आज उससे रिलेटेड एक अपडेट आया है तो उसे हम देख लेते हैं। देखो प्राथमिक शिक्षकों के 1.25 लाख पद करीब खाली है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन भर्ती जो है वो केवल 11,000 पर ही हो रही है। कल अपडेट थी, कल कह रहे थे कि हम भर्ती करेंगे सभी पर, आज कह रहे हैं कि हम केवल 11,000 पदों पर ही भर्ती करेंगे। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे भले ही घोषित कर दिए गए हों, लेकिन इनसे स्कूलों में खाली प्राथमिक शिक्षकों को पूरे पद नहीं भरे पाएंगे। दरअसल इस कैटेगरी के 11,000 पदों पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो देखो अभी तक पद क्लियर नहीं है, लेकिन ऑफिशियल तो क्लियर नहीं है, बाकी इसमें जैसे आया है कि 11,000 पदों पर ही भर्ती की जाएगी, जबकि प्रदेश में स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1.25 लाख पद खाली हैं। यह भर्ती भी स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के दायरे में आने वाले स्कूलों के लिए होगी। इसका जिक्र राज्य सरकार ने पिछले बजट में किया था। इसके अलावा 2018 में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन में भी खाली पदों का जिक्र था। जिन 30% उम्मीदवारों ने प्राथमिक शिक्षक परीक्षा पास की है उनमें वह भी शामिल हैं जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार है। तो देखो 11,000 पद भरे जाने हैं, अभी तो यही है संभावना कि 11,000 पद भरे जाएंगे, तो कुछ अनुकंपा वाले भी होंगे और कुछ अभी आप में से जो पास हुए हैं वर्ग तीन का पेपर जिनका निकला उनको भी दिया जाएगा। 10% से ज्यादा प्राइमरी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं, ये तो आपको पता ही है, अतिथि शिक्षक ही चल रहे हैं और अभी अतिथि शिक्षकों की फिर से नियुक्तियां चल रही हैं। ये जो सीएम राइज स्कूल बने हैं उनमें भी वैसे ही भरा जा रहा है। इसकी वजह बताते हुए सेक्शन मामलों के जानकारों का कहना है कि 2013 के बाद प्रदेश में अब जाकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है। तो ये भी आपको पता ही है कि भाई 2011 में पेपर हुआ था, 13 में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद अब हो रहा है, लगभग 10 साल के बाद हो रहा है। और समस्या ये कि 10 सालों के बाद भी हो रहा है और उसमें वैकेंसी कितनी दे रहे हो आप, 11,000, केवल 11,000 ही पद भर रहे हो, उसमें से 20,000 जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 20,000 जो पद हैं वो शिक्षा विभाग के हैं और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 10,500 पदों के लिए शिक्षकों का चयन किया गया है। तो भाई बहुत वैकेंसी खाली हैं लेकिन भरेंगे केवल 11,000। तो अभी तक की तो अपडेट यही है कि 11,000 पद आपके भरे जाएंगे जो वर्ग तीन का रिजल्ट आपका आया है। अब और वैकेंसी यदि बढ़ा दी जाए चुनाव को देखते हुए तो अच्छी बात है। मुझे संभवतः ये लगता है कि वो वैकेंसी बढ़ाने की जगह नए पेपर फिर से कराएंगे, जैसे घोषणाएं तो कर ही रहे हैं तो वो पेपर करा देंगे, उसमें उनको ज़्यादा फायदा, वो ज़्यादा फायदा दिखेंगे अपना। तो मंत्री ने कल एक ये भी बयान दिया है जो आपके मंत्री हैं कि इस शिक्षकों की भर्ती इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री जो हैं इंदर सिंह परमार, उनका कहना है कि हमने यह निर्णय लिया है। और आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अपडेट भी बताया था कि संसद में निर्णय लिया गया है, गजट में भी आया है कि हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो हर साल यदि पेपर आपका सुनिश्चित होने लगे, 10 सालों में पेपर हो रहा है, तो देखिए समस्या ये है यदि हर साल पेपर होता है और हर साल 10,000-12,000 वैकेंसी निकलती रहती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। इकट्ठी 10 साल से पेपर नहीं हुआ तो 10 सालों में वो 1.5 लाख-1.25 लाख पद खाली हो गए। यदि हर साल 10-12 हजार पद भरते रहें तो जो आज इतने पद खाली हो गए हैं वो ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा भी कर दें तो भी अच्छा है। तो एक तो ये अच्छी अपडेट है कि हो सकता है यदि हर साल भर्ती होने लगे तो अच्छा है, आप लोगों को बार बार मौका मिलेगा। और एक ये भी अपडेट है, लेकिन ये अच्छी अपडेट तो नहीं है कि केवल 11,000 पदों पर ही भर्तियां की जा रही हैं। अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर 51,000 पद हों, उसके लिए आप सब डिमांड तो कर ही रहे हो, तो अच्छा है आप विद्रोह करो, अपनी मांगे रखो, आपकी मांगे यदि हो जाती हैं पूरी तो 51,000 पदों पर भी भर्ती होगी, लेकिन उसके लिए आपको इकट्ठा होना होगा, एक होना होगा, जो संभव आप में है नहीं। आप लोग घर पे बैठ के चाहते हैं कि हम घर पे बैठे रहें और सब हो जाए। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर भोपाल नहीं जा रहे, आप चले जाओ, मतलब आप चले जाओ, खुद को कुछ नहीं करना, ठीक है, तो कहाँ तक कोई टीचर कुछ करेगा। तो 51,000 पदों के लिए आपको संघर्ष बहुत करना होगा और उतना संघर्ष आप कर नहीं सकते हैं। ये मान के चलो कि 11,000 पदों पर भर्ती आपको करा दी जाएगी
और होगा तो फिर कुछ नई भर्तियां निकलेंगी। ये अपडेट था। तो वैकेंसी अभी तक ऑफिशियल रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग इतनी ही रहेंगी। अभी जब सत्र था, पिछला जो सत्र हुआ था, तब भी यही अपडेट आया था। ठीक है, तो आपकी जो वर्ग तीन है उसमें 11,000 पद भरे जा रहे हैं, तो आपकी जो भी रैंक है आप देख लो कि आप उसमें पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, और नहीं पहुंच पा रहे तो आप आगे की तैयारी को अच्छे से चालू कर दें। ठीक है, बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।